कितनी सीटें जीतते मानते हो हरियाणा की? मानते नहीं, ये तो वोट पड़नी बाकी है, 10-12 दिन बाद वो पड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत करके और अगली राहुल सरकार केंद्र के अंदर बनाएगी और राहुल सरकार के बाद फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर जी, बीजेपी के अध्यक्ष तो अमित शाह रहे। एक तारीख के बाद फिर वो सारा कैंपेन और ज्यादा आक्रामक तरीके से। देखिए, ये तो जो कांटा कांडा ये निकालने की जो बात करते हैं, देखिए तो इस सीट पे भी कुछ ऐसा देखते हो जी आप? बदले की सरकार तो भाजपा वालों की है, यही इस तरीके से करते हैं। नहीं, क्या ऐसी स्थिति आप इस सीट पे भी देख रहे हो सर? देखिए, कोई हाँ भाजपा हो सकता है निकाले किसी का, आपस में ही जैसे खबरें हैं तो आपस में खुद ही कर लेंगे एक दूसरे का, लेकिन कांग्रेस में समझता हूँ कि मिल करके चुनाव लड़ती है और एक दूसरे को सारा सहयोग दे करके सब अपने अपने प्रभाव का पार्टी की मजबूती के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि गरीब किसान मजदूर का, जिसमें कर्मचारी नौजवान हमारी माताएं बहनें छोटा व्यापारी सुरक्षित हो, ऐसा राज बन सके और जंगल राज खत्म हो सके। सर, बीजेपी राष्ट्रवाद हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, या बीजेपी को हटाना ही आपका मुद्दा है? देखिए, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में लिखित में भी ये साबित हुए कि गद्दार हैं, वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात कर रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई उनके घर में जो चूहा है वो कभी मरा है इस राष्ट्रवादी में? कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसमें शहीद हुआ? और क्यों नहीं आतंकवादियों ने कभी इनके ऊपर अटैक नहीं किया? क्यों बार बार कांग्रेस? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इस देश के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ी है और शहादत दी है, तो इसलिए ये तो केवल और केवल राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग सेना का करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। बाकी इनका ना तो कोई देश से प्रेम है, इनका तो केवल माया से प्रेम है। आपका क्या मुद्दा है? हमारा तो मुद्दा देश के विकास का है, देश को एक और अखंड रखने का है, जाति धर्म की राजनीति को खत्म करने का है और लोगों को के दुख दर्द दूर हों वो हम सुनिश्चित कर सकें, जो हम वायदे करें वो पूरे कर सकें। अभी 72,000 हर साल 25 करोड़ लोगों को फायदा मिले, इसके लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में बात रखी है कि न्याय योजना की न्यूनतम गारंटी योजना और कांग्रेस सुनिश्चित करेगी, किसानों का अलग से बजट आएगा, नौजवान जो काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उनको अवसर मिलेंगे कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से 5 साल बिना किसी टैक्स बिना किसी परमिशन के अपने काम शुरू करें, उद्यम कुछ ना कुछ लगाएं। तो ये सारी प्राथमिकताएं कांग्रेस की हैं, गरीब के हाथ को काम मिले। सर, आपका नारा है अन्याय, ठीक है, तो सुनीता दुग्गल का कहना है कि 70 साल पहले आपकी सरकार थी, क्या तब न्याय नहीं हुआ? तो जो अब आप बात करो कि अब की बार होगा न्याय। देखिए, न्याय योजना का काम है और अन्याय भाजपा ने किया 5 साल में, तो हम ये कह रहे हैं कि भाजपा के अगर अन्याय को खत्म करना है तो न्याय की सरकार कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए ये तो देश ने जनादेश देना है और देश ये मानता है कि भाजपा जो है बहुत ही ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा हर वर्ग के कुछ लोगों चंद लोगों को छोड़ करके हरेक के हित के ऊपर प्रहार करने का काम किया। दो बार चुनाव किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों की कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा रहा है जी, खास तौर पे हम 5 स्टेटों में देखते हैं कि गेन किया है कांग्रेस ने, तो क्या हरियाणा में भी इस चीज का वो दिखाई देगा? हरियाणा पहला देश का प्रांत होगा जहाँ किसान के साथ साथ गरीब मजदूर के भी कर्जे हम माफ करेंगे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके साथ साथ किसान की माली हालत अच्छी हो, उसकी फसल का मूल्य दुगना मिले। तो शिक्षा नीति पे थोड़ा सा कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या है सर? हम तो डबल कर रहे हैं पैसा, जो शिक्षा के ऊपर खर्च होता था जो पहले बजट में होता था उसका डबल कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों
कांग्रेस की प्राथमिकता रही। पर्यावरण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, दोनों मैनिफेस्टो में इतना जिक्र नहीं किया गया पर्यावरण के बारे में। हमने तो पर्यावरण का किया, ये जंगल आज जो बचे हुए हैं, अगर इंदिरा जी नहीं होती, राजीव जी उस समय सही कदम नहीं उठाते, तो अभी तक ये भाजपा के लोग जंगल बेच देते। सेपरेट चैप्टर इन्होंने जो है पत्थर, रेता, बजरी, आकाश, पाताल सब खा लिया। ये जंगल जो बचाए हैं उसके लिए स्पेशल कानून बने, एक्ट पारित हुए संसद के अंदर। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो पर्यावरण की जो समस्या है, कांग्रेस एक बार सत्ता में आएगी तो ये पर्यावरण की समस्या का भी निदान करेगी। आज जगह जगह किसान पराली जलाता है, उसके ऊपर केस बन जाते हैं, लेकिन खट्टर मोदी जी ने वो गार्बेज के सेंटरों में आग लगा रखी है, जहाँ से आप निकल जाओ तो एक मिनट में आपको जो है, मैंने कहा ये चुनौती दी थी मैंने काला वाली में, एक मिनट, मैंने चुनौती दी थी खट्टर साहब को कि जहाँ पर गार्बेज सेंटर में आग लगी हुई है, जहाँ गायें फंसी हुई है, गायें जल जाती है, वहाँ अगर खट्टर साहब अगर 5 मिनट रुक जाए तो 5 दिन अगर बिस्तर से उठ जाए तो भाई मेरे को जो कहना हो कह लेना। इतनी जहरीली वो गैस वहाँ से निकलती है जो पर्यावरण का हो, एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और इसका परमानेंट सोल्यूशन कांग्रेस पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि कांग्रेस जो 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। अच्छा, वो इतने साल तक कौन सा लाल थे जब बार बार हारते थे, जमान जब्त होती थी, एक बार जीतते ही बात आ गई है। अभी इलाज कर रही है जनता, तैयार हो जाओ, अभी 18-20 दिन तो बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, और फिर 3 महीने बचे हैं। हाँ, अब घुंघरू की जगह के मैं और बांध लो जाए। तो सर कितना कॉन्फिडेंस है आपको सीट को लेकर? किसान हर जगह जाम लगा रहे हैं आज, काला वाला जाम लगा। कितना आपको कॉन्फिडेंस है जी इस सीट पे? इस सीट पे बिल्कुल 1000% जीत का के प्रति हम आश्वस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमने 45,000 करोड़ रुपए के काम किए, जब हमें मौका मिला इस इलाके में, लोगों ने सांसद बना के जिताया, तो हमारा ये संकल्प है कि हम उस 45,000 करोड़ को 1 लाख के प्रोजेक्ट बनाएं, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करें।